अब लोग स्क्राइबिंग परपेंडिकुलर लाइन, मतलब जैसे हमारा वर्क पीस है इसका स्ट्रेट लाइन कैसे खींचेंगे वो पता चल गया, अब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए हमको क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए हम लोग को ट्राई स्क्वायर स्क्राइबर, इस दो चीज़ का हमको क्या पड़ेगा बेसिकली जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बेस देने के लिए हम लोग मार्किंग ऑफ टेबल या फिर सरफेस प्लेट का यूज करेंगे। लेकिन कोशिश करना है हम लोग जब हम लोग स्क्राइबिंग का काम करेंगे तो मार्किंग ऑफ टेबल का ही ज़्यादातर प्रयोग करना है, क्योंकि सरफेस प्लेट का हम लोग कहाँ पे करते हैं, मार्किंग वगैरह में करते हैं। लेकिन स्क्राइबर वगैरह इसमें अगर स्क्राइब कर देगा तो क्या होगा, इसका इस रफनेस हमारा जो है क्या बढ़ जाएगा, इसका जो हमारा सरफेस फिनिश है वो क्या होगा एक्यूरेसी घटेगा। तो ये सब चीज़ का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा ये ट्राई स्क्वायर हो गया, ट्राई स्क्वायर को हम लोग इसके साथ कॉन्टेक्ट में रख के यहाँ पे ऐसे रखे और इसको बेस ले लेंगे, क्या करेंगे इसके बेस के साथ हम लोग ऐसे कॉन्टेक्ट में लेंगे, देख सकता है इसके साथ देखो हमको क्या मिल गया, एक पैरेलल लाइन मिल गया। अब ये हमारा बेस के साथ क्या हुआ, ये चीज़ हमारा वर्कपीस का बेस के साथ देखो हमको मेरा पैरेलल हो रहा है ना, बेस के साथ हमारा हो जा रहा है। अब इससे जो हमको लाइन इधर मिलेगा इसका परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब जैसे ये बेस के साथ कॉन्टेक्ट में रखेंगे वैसे हमारा इधर का लाइन बनेगा। तो जब हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन करना पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, लंबवत लाइन बनाना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे इसका ट्राई स्क्वायर का यूज कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है, तो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे देखो ये मेरा वर्क पीस है, इसके ऊपर हम लोग ऐसे भी बेस ले सकते हैं, इधर लाइन खींचना होगा तो ऐसे बेस ले लेंगे, लेकिन हमेशा स्क्राइबर चलाएंगे ब्लेड के तरफ। लेकिन इसमें भी हमारा ब्लेड चलाने के टाइम क्या करना है, वही 75 से 80 डिग्री का एंगल में क्या करना है, स्क्राइबर को वर्कपीस से ऊपर रखना है, 75 से 80 डिग्री क्या करना, वर्कपीस से ऊपर रखना है। और ये जो ब्लेड होगा, ब्लेड हमारा झुका हुआ भी जो रहेगा किधर रहेगा, ब्लेड से बाहर की ओर ही स्क्राइबर झुका रहेगा, ये भी हमारा इसका पॉइंट क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग नहीं स्क्राइबिंग करेंगे, वो मेरा क्या होता है गलत प्रोसेस होता है। तो चलो एक दो हम लोग इसमें लाइनिंग खींच के देख लेते हैं, हम लोग इसका यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो जैसे देखो हम यहाँ से ऐसे भी रख के काम करेंगे तो इंटरनल से भी खींच सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल से खींचना चाहेंगे तो एक्सटर्नल से भी खींच सकते हैं। तो हम लोग एक या दो लाइन खींच के देखते हैं, जैसे एक इंटरनल से खींच लेते हैं, तो ये देखो मेरा यहाँ पे स्क्राइबिंग ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। दूसरा हम लोग इधर से ले लेंगे, ये वर्क पीस छोटा है इसलिए थोड़ा सा इसमें समझाने में दिक्कत हो रहा है, क्या पता नहीं। यहाँ पे देखो दूसरा हमको स्क्राइबिंग करना है, तो यहाँ से हम लोग स्क्राइबिंग कर लें, इससे कोई दिक्कत हो रहा है नहीं सर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को लंबवत लाइन खींचना पड़ेगा तो हम लोग स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम लोग खींच सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हो रहा है, क्लियर समझ में आ गया ना। स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबवत लाइन खींच सकते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन।